नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। दोस्तों, आज मैं जो आपको व्यंग सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है भेड़े और भेड़िए। ये व्यंग हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया हमें सपोर्ट करें। यहाँ पर हम व्यंग वाचन करते हैं और हिंदी की महत्वपूर्ण कहानियां आप तक लाने की कोशिश करते हैं। तो प्रस्तुत है भेड़े और भेड़िए हरिशंकर परसाई। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से ये तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। शीघ्र ही एक समिति बैठी, शीघ्र ही एक विधान बन गया और शीघ्र ही एक पंचायत के निर्माण की घोषणा हो गई, जिसमें वन के तमाम पशुओं के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हों और जो वन प्रदेश के लिए कानून बनाए और शासन करे। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वो आया जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं। उसमें भेड़ें बहुत थी, निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए न मारे, सब जिए और जीने दें, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। और इधर भेड़ियों ने सोचा कि अब हमारा संकट काल आया, भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चबाना सीखना पड़ेगा? जो जो चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बहुत उदास रहते हो। हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िये के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? उस यार कुछ कविता भी करना जानता होगा या शायद दूसरे की उक्ति को अपनी बनाकर कहता हो। खैर, भेड़िये ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब चला। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हो। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं और आपके गुण गाते हैं। भेड़िये ने कहा, मगर अब समय आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाट्य करना ना आता तो सियार शेर न हो गया होता। आखिर भेड़िये ने वन प्रदेश के पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहां से भागने के सिवा कोई चारा नहीं है, पर जाएं भी तो कहां? सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िये ने कहा, अरे वहां भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता। तो सियार ने खूब सोच कर कहा, अजायब घर में चले जाइए। भेड़िये ने कहा,
अरे वहां भी जगह नहीं है, सुना है वहां तो आदमी रखे जाने लगे। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एक टक आकाश की तरफ देखने लगा, जैसे विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा। फिर बोला, बस अब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आपकी भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, अरे कहां की आसमानी बात करता है, हमारी जाति कुल 10% है और भेड़ें तथा अन्य छोटे पशु 90%, भला वे हमें काहे को चुनेंगे। अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हां ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िये ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने साथ 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। भेड़िये ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार हैं सरकार, रंगे सियार हैं, आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िये ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन, ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िये का हाथ चूम कर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िये का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोंस दिए। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना, और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहां बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना आप। भेड़िये ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो ये ही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। ये पीला वाला बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है और लेखक भी। ये नीला सियार नेता और पत्रकार है, और ये हरा धर्मगुरु है। बस अब चलो, जरा ठहरो। भेड़िये ने बूढ़े सियार को रोका, कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों। बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज, अब चलिए, देर मत करिए। और वे चले। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके। धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक सिर झुकाए, विनय की मूर्ति। और उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी, उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िये की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िये की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहां वहां बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो बोली, अरे भागो, ये तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, अरे भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकारों में लगे रहते हैं,
उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा के लिए अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनकी याद करके अभी भी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से जो झुका है, सो झुका ही हुआ है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, दांतों से। पर जब वो बेचारा कष्ट से चल बसा, तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। उनके घर के पास जो हड्डियों का ढेर लगा है, उसके दान की घोषणा उन्होंने आज ही सवेरे की है। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, अब आप उनसे भय मत करो, उन्हें अपना भाई समझो। बोलो बस मिलकर, संत भेड़िया जी की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन नीचे किए विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है। वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें न पहचान पाए होंगे। पहचाने भी कैसे, ये इस लोक के जीव तो है नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं, जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं, और हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ तो कवि जी, पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता नहीं था, हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया और चतुराई से बातों को यूं कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग, कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो कवि काहे का। उनकी कविता में से शाश्वत के स्वर फूट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी, हे महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातःकाल संध्या आपके मस्तक पर तिलक रहती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पदन आपकी अग्नि पर पंखा करती है, और रात्रि को आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं, भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िया बलवान है, इसलिए उसके हाथों में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ। वो भी तुम्हारा भाई है, आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़, वो भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वो भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डी उनके द्वार पर फेंक जाते हैं, ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे, भेड़िया बलवान है, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डट कर लड़ेगा, इसलिए अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहां त्याग करेगा वो उस लोक में पाएगा, जो यहां दुख भोगेगा वो वहां सुख पाएगा, जो यहां राजा बनाएगा वो वहां राजा बनेगा,
जो यहां वोट देगा वो वहां वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िया को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये एक भेड़िए की कथा नहीं है, ये सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना, और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बन गए, और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून ये बनाया। हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए एक भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए इसलिए आधी भेड़ दी जाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्यंग कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल द सीरियस कॉमेडी शो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।